पश्चिमी यूपी में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में मौतों के बाद हरदोई जिला प्रशासन भी सख्त रुख अपना लिया है। इस दौरान हरदोई की शाहबाद में एसडीएम ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर सरकारी शराब की दुकानों पर औचक छापेमारी की है। दरअसल पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ जनपद में 30 लोगों के जहरीली शराब पीने से मौत के बाद वहां प्रशासन में खलबली मच गई है। शाहबाद एसडीएम कपिल देव सिंह ने सीओ और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम बनाकर सभी सरकारी शराब की दुकानों में जांच की है। इस दौरान शराब की दुकानों पर रखे शराब की बोतलों पर लगे बारकोड को स्कैन कर उसका मिलान किया गया है। स्टॉक रजिस्टर चेक किया गया है। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत ही शराब की बिक्री करें। आज आबकारी टीम के साथ और पुलिस टीम के साथ हमारे द्वारा शाहबाद की 3 दुकानें चौराहे पे और 3 दुकानें यहाँ पर हमारे द्वारा जांच की गई, जिसमें अंग्रेजी शराब की दुकानें, बियर और देसी शराब की दुकानें शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार तथा जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर इन दुकानों का निरीक्षण किया गया। दुकानदारों को क्या निर्देश दिए गए हैं? दुकानदारों को निर्देश दिया गया कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए नियमानुसार बिक्री करें और कोई अनियमितता न करें। कोई अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी और FIR कराया जाएगा।